बचपन में जब मैं और मेरा भाई टीवी देखते थे तो ब्रेक्स आने पर हम दौड़ कर पानी पीने जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रेक इतनी जल्दी खत्म हो जाए और हम कुछ मिस कर जाएं। लेकिन यार आजकल जैसे ब्रेक्स आते हैं उनमें आप कुछ भी कर सकते हो। आप बाहर जाके डिनर का प्लान बना सकते हो, उसके बाद फिर लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो, शादी कर सकते हो, बच्चे बड़े कर सकते हो, उनको स्कूल भेज सकते हो, उनकी शादियां करवा सकते हो, 2 साल के लिए छुट्टी पे जा सकते हो और वापस आने के बाद भी अभी चालू हुआ नहीं प्रोग्राम में टाइम है, अभी 6 ऐड और बचे। क्योंकि सभी कुछ तो आप वहीं से सीख रहे हो, स्कूल में क्या एजुकेशन मिली थी? मेन एजुकेशन तो ऐड से ही मिल रही है। कितना सिखाया है इन्होंने अपने को। जैसे कि डेंटिस्ट का मेन काम होता है टूथपेस्ट रेकमेंड करना। 5 साल की पढ़ाई फालतू, उसकी दांत निकालने का काम नहीं आएगा। वो बस बता सकता है ये पेस्ट यूज कर लो। जैसे कि सफेदी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तुम्हारी शर्ट पे भी और शक्ल पे भी, वरना तू फ्लॉप है। वो जो थोड़ी पाएगा तुम्हारा पैसे थोड़ी देगा तुम्हें कोई नौकरी मिल लगेगी ना, लड़की एयरहोस्टेस बन पाएगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक अगर तुमने पी ली तो फिर स्टंटमैन हो तुम, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, प्यास की जरूरत है भैया। और पान मसाला मुंह में लेते ही बिजनेस के आइडिया ऐसे बहने लगते हैं भाई बदन में, और पैसे ही पैसा बरसता है। बिल गेट्स भी ऐसे अमीर बना था पर उसने किसी को बताया नहीं ये राज, क्योंकि मुंह में गुटखा था ना उसके। धोखे भी ना चाचा बता दे कैसे। और हर गाड़ी, हर जितनी भी कोई सी भी गाड़ी को कार ऑफ द ईयर का अवार्ड पहले से ही मिला हुआ है। मतलब 4 पहिए लगा के अगर कोई ब्रांड ठेला भी रिलीज कर देगा ना तो उसको भी कार ऑफ द ईयर का अवार्ड आराम से मिल सकता, कोई ना कोई तो दे ही देगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये अवार्ड कितने हैं भैया। अबे बेस्ट एक्टर अवार्ड है क्या जो सबको मिल जाता है? बेसिकली ना मुझे जब भी टीवी देखता हूँ मेरे को वाली फीलिंग आती है कि ये बिग गया है टीवी, ये सारे मिलकर ना हमको पागल बना रहे हैं। अब परसों की बात है, मैं घर पे पड़ा हुआ था। ऐसी कोई दिन होता ना तुम टीवी चलता रहता और तुम सोए रहते हो कि कौन बदलेगा यार, तो चल रहा उस पे ऐड जिसमें नहीं होता कि ये फलाना ऐड कीजिए, इस पे कॉल कीजिए, उस पे कॉल कीजिए। लोग भी चंदू चमेली कॉल किए ही चले जा रहे हैं, उन्हें होते जो हर कहीं पे कॉल कर देते हैं, हेलो कॉल करे जा रहे बातचीत चल रही है। मैंने कहा ये ऐड पता नहीं कब खत्म होगा। अचानक से देखता हूँ उसके बीच में ऐड आ रहे। मैंने कहा 1 मिनट, ये वाला ऐड है कि वो वाला ऐड था? मैंने कहा ये क्या तुम्हारे ऐड्स में ऐड्स का इंसेप्शन हो रहा है बे। मैं सोचता हूँ यार काश को ऐसा चैनल होता जहाँ पे बार बार ब्रेक्स नहीं होते। मतलब अगर फिल्म देख रहा हूँ तो बस मैक्सिमम 1 इंटरवल हो उसमें, जैसे थिएटर में होता है। अब आप कहोगे ऑप्शन क्या है, हर चैनल पे तो बार बार ब्रेक्स ही तो आते हैं। एक मूवी चैनल है जहाँ पिक्चर के बीच में बार बार ब्रेक्स नहीं होते हैं, होता है सिर्फ 1 इंटरवल इन एवरी मूवी एवरी डे। स्टार गोल्ड सिलेक्ट पे है हजारों कहानियां लेकिन सिर्फ 1 इंटरवल। तो सोच क्या रहे हो, अपने केबल या DTH ऑपरेटर को फोन करो।